जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, आज जो हमारा डे है 1008 पजल की सीरीज का, या कहीं 1008 पजल सीरीज का, हमारा डे कौन सा है? डे नंबर हमारा है 20 गाइस। टोटल हमने अभी तक आपके मैंने 80 से 85 के आसपास या समथिंग 90 के आसपास मैंने आपको टोटल पजल करा दिए गाइस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पजल का वेटेज कितना ज्यादा होता है किसी भी एग्जाम में, स्पेशली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ आपका पजल और सिटिंग रेजिमेंट आपका 70-80% सिलेबस क्या करता है, कवरअप करता है। पहले क्या होता था, 3 पजल देखने को मिलती थी, आजकल क्या है 4 पजल, यहाँ तक 5 पजल भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलती है गाइस, ठीक है। अब क्या है, धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ रहा है, उसी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की थी। टॉप लेवल की मैं पजल कराऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डेली बेसिस पे रात को 9 बजे आपको क्लास मिलेगी डेली बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि मकसद एक ही है, टाइम से पजल को सॉल्व कराना है। पजल तो सब बनाते हैं, किसी को अगर मैं 8 मिनट दूं या 10 मिनट दूं ना, तो एक 10th क्लास का बच्चा या मैं कहूँ 5th क्लास का बच्चा भी इस पजल को बना लेगा, उसको मैं टाइम देता हूँ गाइस। बट आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 45 मिनट है और आपको 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से वो चूज करने हैं जो हमें क्या है सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। देखो, यह आपकी पजल है 8% सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो देखो गाइस, आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स हो या आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी है जो हमारी क्या हो, डेफिनेट हो, ठीक है। और एक होती है हमारे पास पॉसिबिलिटी वाली, तो आपको क्या करना है, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन को पुटअप करना है, इंफॉर्मेशन को और पॉसिबिलिटी को बाद में आपको चेक करना है, ठीक है। पजल नंबर कौन सी थी, हाँ 91 पजल है। देखो 8% सर्कुलर फेस कर रहे हैं आप गाइस, ठीक है। तो 8% है आपके पास, सबका फेस क्या है सेंटर की तरफ। पहला काम क्या करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन लिख लेना नहीं है, अगर मैं उसको डायरेक्ट पुटअप करूं तो वो बहुत अच्छा होगा गाइस, देखो। और दे आर आर डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब वो डिफरेंट 8% है, 8 ही आपके क्या होंगे प्रोफेशन होंगे। दे आर गोइंग एट अ डिफरेंट प्लेसेस, लखनऊ, गुड़गांव, दिल्ली, बम्बई, पटना, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये आपके दे रखे हैं। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो मैं क्या करता हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार लिख लेता हूँ। ए अ डॉक्टर इज गोइंग टू लखनऊ, ए आपका क्या है, एक तो वो डॉक्टर है, ठीक है, और दूसरा वो कहाँ जा रहा है आपका, वो लखनऊ जा रहा है, ठीक है। He is neither HR nor lawyer, but is sitting opposite to HR. HR के opposite आपका कौन बैठा है, E बैठा है, but E ना तो आपका HR है ना ही आपका वो lawyer है। और वो क्या है आपका इंजीनियर है, ओके। चलिए इसको लिख लेते हैं, हम यहीं पे लिख लेते हैं, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ये आपका क्या है इंजीनियर, ओके। F is either actor or HR. F जो आपका या तो एक्टर होगा या आपका वो HR होगा। Is going to Mumbai, और ये कहाँ जाता है आपका, ये मुंबई जाता है। अभी तक मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकूं। Neither HR nor leader goes to Mumbai. Okay. अब देखो, जो पर्सन मुंबई जाता है वो HR नहीं होना चाहिए, यहां से मुझे पता चल गया कि एफ मेरा एक्टर ही होगा और लीडर वो बजाएगा नहीं, एफ ही तो जा रहा है। एच आ लीडर इज टू द राइट ऑफ सी, ओके जी, इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ।
सी के थर्ड एच अ लीडर इज थर्ड राइट ऑफ सिटी के, एक दो तीन यहाँ पे एच आ जाएगा और ये आपका क्या है, ये आपका कंपनी का लीडर है या ऐसे कहीं आपका वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, वो लीडर से बिलोंग करता है। और जी के सेकंड राइट में सी है, जी के सेकंड राइट में सी है। ही इज एन आर्टिस्ट इज गोइंग टू हैदराबाद, यहाँ पे लिख दूं मैं, ही आपका क्या है आर्टिस्ट है और वो हैदराबाद सिटी जाता है। एच आर एंड एक्टर आर सिटिंग नियर टू ईच अदर, एचआर और एक्टर आपके साथ साथ बैठेंगे, बट कौन कहां पे बैठेगा ये हमें नहीं पता। एफ एंड एक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में आपका एफ आएगा और ये क्या है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। एफ आपका क्या है कंपनी का, या कहीं सीधा से बात करें तो एक्टर है वो, और वो कहाँ से बिलोंग करता है मतलब कहाँ जाता है वो आपका मुंबई जाता है। ये तीन वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। ओके नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्या है हमारी, टीचर इज गोइंग टू बैंगलोर, टीचर आपका बैंगलोर जाएगा, तो टीचर लिख के मैं यहाँ पे बैंगलोर कर देता हूँ, है ना। इंजीनियर इज गोइंग टू गुड़गांव, इंजीनियर है यहाँ पर लिख देता हूँ, इंजीनियर जो आपका गुड़गांव जाएगा। वाई लीडर इज गोइंग टू दिल्ली, लीडर आपका कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आराम से करने के ऊपर आप बस इंफॉर्मेशन को देखोगे कैसे करना है। ही इज नॉट गोइंग टू पटना, ही आपका पटना नहीं जाएगा। देखो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब हम इसको पुट अप करते हैं। अब देखो बी मेरा क्या है आर्टिस्ट है ना, और वो जाता आपका हैदराबाद, इसको मैं लिख देता हूं ना हैदराबाद, और इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो एचआर और ई ऑपोजिट बैठे, यहां पे आ नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो एच आर और ई मेरा यही है कि कंफर्म है यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और उसने बोला कि एच आर और एक्टर पास पास बैठे हैं, तो ये वो पर्सन है जो आपका किसी कंपनी में एच आर है, इसके सामने आपका ई बैठे, ठीक है, इसको आप हटा दो, आप एच आर एक्टर पास पास हो गए ना, और एच आर आपका ई तो लॉयर नहीं होगा आपका, ये आपका यहाँ पे लॉयर नहीं आए, ठीक है, इसको भी आप हटा सकते हो यहाँ से। अब ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा डॉक्टर यहाँ पे आ जाएगा, वो आपका डॉक्टर है और वो लखनऊ जाता है, ठीक है, इसको आप हटा सकते हो यहाँ से। एक पर्सन बचा आपका वो डी है, डी पटना नहीं जाएगा, अब टीचर आपका बैंगलोर जाएगा, तो हाँ सी इंजीनियर आपका ये ना, सी जे राइट ऑफ भी एन इंजीनियर है, एन किसके लिए आया आपका, ये जी के लिए आया ना, ठीक है, ये आपका जी के लिए आया, मतलब सी के लिए आया, जी आपका क्या है इंजीनियर है और वो आपका कहाँ जाता है गुड़गांव जाता है, तो ये गुड़गांव लिख दिया, ठीक है, इसको बैठा दो आप। अब देखो लॉयर यहाँ पे नहीं आ सकता ना, लॉयर की जगह देखो ये बची, ये आपका लॉयर हो जाएगा, एक प्रोफेशन बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा टीचर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टीचर, टीचर जो है वो आपका वो बैंगलोर जाता है। अब ये पटना जाएगा नहीं, तो देखो ये आपका पटना चले जाएगा, और एक आपकी सिटी बची है पुणे, पुणे जाएगा आपका टी, कितनी आराम से बन गया। बस इसमें एक ही चीज थी, एक तो बच्चे क्या तीन वेरिएबल देखे घबरा चे, घबराना नहीं आपको,
तीन वेरिएबल हो चाहे चार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही लिखी है तो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बोलूंगा, ऐसी इंफॉर्मेशन को देखा करो जो हमारी क्या हो, डेफिनेट हो। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि 10 स्टूडेंट आर ए से लेके जे तक आर फिलिंग द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ बैंक एग्जाम, मतलब बैंक एग्जाम के वो तीन फॉर्म पढ़ते हैं कौन कौन से, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। ठीक है, ये आपके एसबीआई पीओ, ठीक है, और देन आपके कौन से आईबीपीएस पीओ, देन है आपके आरआरबी पीओ। बहुत बढ़िया, इस सवाल को दोबारा इसलिए लिया कि मेरे पास एक बच्चा था कि ऑफलाइन का बच्चा था, सर एक बार आप अपनी लाइव क्लास में बता देना इस क्वेश्चन को, पता नहीं क्या दिक्कत आई इसके अंदर, मैंने कहा चलो करा देंगे इसको सवाल को वापस। देखो एटलीस्ट टू स्टूडेंट बट नॉट मोर देन फोर स्टूडेंट आर फिलिंग सेम फॉर्म, मतलब देखो दो दो तो आएंगे आपके, दो इसमें आएंगे, दो इसमें आएंगे और दो इसमें आएंगे आपके, दो दो हो गए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार आ सकते हैं, या तो चार यहाँ पे होंगे या फिर चार यहाँ पे, किसी में चार होंगे, चार चार या तीन तीन भी हो सकते हैं, किसी में चार हो सकते हैं, बट दो तो कन्फर्म होना ही चाहिए। बोथ जी एंड डी आर फिलिंग सेम फॉर्म, जी और डी दोनों के दोनों आपके सेम फॉर्म पढ़ते हैं, वो कौन सा फॉर्म पढ़ते हैं वो हमें नहीं पता। द नंबर ऑफ स्टूडेंट फिलिंग द एस बी आई पी ओ और आर आर बी पी ओ इज सेम, ओके, मतलब ये वाले स्टूडेंट और आर आर बी वाले होंगे सेम, तीन तीन हो सकते हैं, चार चार हो सकते हैं, दो दो तो पॉसिबल नहीं, तो अगर दो दो लोगे तो बचे फिर 8%, सॉरी 6 तो एक में आएंगे नहीं, या तो तीन तीन हो सकते हैं एक में चार हो जाएंगे, या फिर चार चार हो सकते हैं इसमें आपके दो हो जाएंगे। ठीक है, ओनली ए फिल द सेम फॉर्म एज ई, ओनली ए सेम फॉर्म इज ई बट डज नॉट फिल द एस बी आई पी ओ, इसमें आपके दो ही आएंगे, ओनली ये दोनों आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो वो अगर यहां पे लेते हो, सपोज ये दो लेते हो आप, तो इसमें भी दो आएंगे, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो उसने एसबीआई का तो पीओ का मना कर दिया कि ये आपके दोनों के दोनों क्या है कि एसबीआई का फॉर्म नहीं भरते है ना, तो ये अगर ये भरते हैं तो ये चार चार हो जाएंगे, अगर इसके साथ दो लोगे ये ओनली फिर दो यहाँ पे नहीं आएगा, दो अगर यहाँ पे ले दो यहाँ पे आएगा फिर तो उस हिसाब से छह आने चाहिए यहाँ पे, तो ये तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। मुझे ये पता चल गया यहाँ पे ए आएगा यहाँ पे ई आएगा, उस हिसाब से इसमें दो ही होंगे ओनली, और इसमें मेरे चार बंदे फॉर्म भरेंगे और इसको मेरे चार बंदे फॉर्म भरेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके जी, बोथ सी और बी आर फिलिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्जाम, सी नॉट इक्वल टू बी, ओके, बी Does not fill the same form as D. D के साथ आपका B नहीं है, okay? Both I and J are filling the same form of the bank exam. I equal to J, okay? Neither I nor H filling the same form. I और आपके H एक दूसरे के साथ नहीं होंगे. F does not fill the RRB PO. आपका एस बी आई पीओ भर देगा वो, तो एफ यहाँ पे नहीं आएगा, यही तो जगह बच, यहाँ तो आ ही सकता वो, तो पहले मना कर दिया यहाँ पे, तो ओनली 2% आएंगे। अब चेक करते हैं, है ना, देखो कैसे, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो अगर मैं डी और जी को यहाँ पे ले, तो डी डी के साथ नहीं आएगा, तो B मुझे पता चल गया यहाँ पे आएगा, अब B के साथ C नहीं आएगा तो C मेरा यहाँ पे आएगा, अब I not equal to J, ये तो हो गया, ये भी हो गया, D not equal to B ये भी हो गया, अब इसमें तीन हो गए, अब इसमें मेरे चार तो आने चाहिए, अब I के साथ H नहीं आएगा, अगर सपोज I आप यहाँ पे लेते
तो मेरा एच यहाँ पे आ जाएगा, अब आई के साथ जे भी नहीं आएगा, तो जे यानी पॉसिबल, यानी पॉसिबल, तो ये तो कैंसिल हो गया फिर कंडीशन। अगर मैं आई को यहाँ पे लू उस हिसाब से जे मेरा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, तो मेरी कंडीशन हो गई सेट। आई के साथ जे नहीं आया और आई के साथ एच भी नहीं आया, तो ये मेरा हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, यहां से मेरा आंसर आ गया। बट मैं आपको क्या दूसरा केस भी बताता हूं, जैसे कि मैंने लिया डी को यहां और जी भी यहां आएगा, अब डी के साथ बी नहीं आएगा तो बी मेरा यहां पे आ जाएगा, ओके। अब बी के साथ सी नहीं आएगा तो सी मेरा यहां पे आ जाएगा, तो भाई साहब आई जे और एच ये तो एक ही में आ रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो ओनली फॉर किससे आ जाएगा, वो मेरा किससे आएगा, जो हमारा फर्स्ट केस था ना कि मैं डी को यहाँ पे ले लू, मैं जी को यहाँ पे ले लू, मैं बी को यहाँ ले लू, है ना, और सी यहाँ आ जाएगा और यहाँ मेरा आई आ जाएगा और यहाँ मेरा जे आ जाएगा और यहाँ मेरा एच आ जाएगा, तो ये मेरी कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। तो आपको मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा, सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लो, ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, आपका सवाल आराम से बन जाएगा। बस पेशेंस रखना पड़ेगा, डेली बेसिस पे टारगेट सेट कर लो, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें क्या है, डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, आप ये प्री की भी मिलती है, यह आपको मेंस लेवल की भी मिलती है। आप क्या करो, ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाओ और डेली बेसिस पे जो आपको टारगेट मिलते हैं उसको अचीव करो। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, मतलब अनसर्टेन फ्लोर हो गए और अनसर्टेन ये आपके पास पर्सन हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन भावेश एंड चेतन, आपका भावेश और चेतन के बीच में एक पर्सन रहेगा, बट कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा वो हमें नहीं पता। हु लिव्स इमीडिएट बिलो अरुण, अरुण के नीचे रहेगा आपका कौन, चेतन, ओके जी। फोर पर्सन लिव बिटवीन राखी एंड अरुण, ओके। अच्छा ये देखो, ये इंफॉर्म, अब देखो यहाँ पे ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन अरुण एंड सीता, अरुण और सीता के बीच में एक पर्सन रहेगा आपका, सेकंड फ्लोर जो है बिल्डिंग का वो खाली है, भावेश लिव ऑन द बॉटम फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ये मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि अगर मैं इसको नंबर वन लेता हूँ इस फ्लोर, है ना, इसको दो, इसको तीन, ये चार, पांच, छह, अभी हमें नहीं पता, अभी हम सब चेक करते हैं। चलिए तो ऐसे करो, चलिए तो बॉटम पे कौन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका भावेश, कौन रहेगा, भावेश रहेगा, भावेश और चेतन के बीच में एक पर्सन है, एक एक पर्सन लिव बिटवीन, हाँ एक पर्सन होगा ना, तो उस हिसाब से तो ये मेरा, देखो यहाँ पे क्या बोला था, सेकंड फ्लोर है वो, ये वेकेंट है, ये मतलब यहाँ पे खाली होगा, है ना, वन पर्सन लिव बिटवीन भावेश एंड चेतन, भावेश और बॉटम फ्लोर, हाँ उस हिसाब से एक पर्सन ये होगा ना, तो यहाँ पे चेतन आएगा, एक पर्सन रहेगा ना, ठीक है, और चेतन जो है वो अरुण के नीचे रहेगा, ओके। अब देखो अगर मैं यहाँ पर सात आठ, अभी मुझे नहीं पता कितने फ्लोर है, बट अब चेक कर रहे हैं। अब देखो भावेश और चेतन वाला आप तो हटा दो, क्योंकि अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये आपका उसने बोला खाली है, तो चेतन आपका यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उसने फ्लोर नहीं बोला, उसने बोला वन पर्सन लिव बिटवीन, उस हिसाब से एक पर्सन लिया। अब देखो सीता और ये तो हो गया मेरा कि अरुण जस्ट नीचे रहता है, जस्ट ऊपर रहता है चेतन के,
अब सीता और अरुण के बीच में एक है, तो यहाँ ऊपर ही पॉसिबल है, नीचे ही पॉसिबल है। टू पर्सन लिव बिटवीन सीता एंड हु लिव ऑन द टॉप फ्लोर। ओके देखो अब क्या होगा इसमें, टू पर्सन लिव बिटवीन सीता एंड पर्सन लिव ऑन टॉप फ्लोर। देखो अगर आप सीता को यहाँ पे लेते, एक दो यहाँ पे वो रहेगा जो टॉप फ्लोर हो सकता है, अब ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन, ठीक है फोर पर्सन, ये था राखी और अरुण, ये इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दी है। फोर पर्सन लिव बिटवीन राखी एंड अरुण, तो एक दो तीन चार पॉसिबल नहीं था, तो एक दो तीन चार, देखो एक दो तीन चार पर्सन टेंथ फ्लोर पे आ जाएगा आपको, कौन राखी, एक इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर, ठीक है हो गया। अब अरुण और सीता के बीच में एक है, अब देखो आप यहाँ पे ले सकते हो किसको, बट उसने एक चीज यहाँ पे बोली थी, टू पर्सन लिव बिटवीन सीता एंड होली ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर सपोज मैं ये मानता हूँ, तो अरुण के और सीता के बीच में यही आएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी हो, ठीक है। अगर आप सपोज सीता को यहाँ पर लेकर उस हिसाब से टॉप वाले के बीच में और इसके बीच में पॉसिबल था कि नहीं पॉसिबल, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितने आ गए, 10 आ गए। गलती आप इस वाले पे मत करना, इस पे एक पर्सन रहेगा तभी तो उसके बीच में एक पर्सन, उसने पहले बोल दिया जो सेकंड फ्लोर है ना वो मेरा क्या है, खाली है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो 94 क्वेश्चन कहता है कि 7 पर्सन है आपके KLMN OPQ आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, क्या है आपकी लीनियर रो है गाइस, ठीक है। चलिए 7 पर्सन लीनियर रो के अंदर बैठे फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, दे लाइक डिफरेंट कलर, रेड ब्लैक ऑरेंज ब्लू येलो व्हाइट और ग्रीन, ठीक है। चलिए एक बार बनाता हूँ मैं साथ, एक दो तीन चार पांच छ और सात, सबका फेस क्या है नॉर्थ की तरफ, चेक कर दें। एंड सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ हु लाइक व्हाइट कलर, व्हाइट कलर के थर्ड लेफ्ट में आपका एंड बैठा है, बट नन ऑफ देम सिट एट द एंड, मतलब ये दोनों के दोनों एंड पे नहीं आएंगे, ये एंड पे नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से मैं व्हाइट को अगर यहाँ पे लेता हूँ, एक दो तीन एंड पॉसिबल है, अगर मैं व्हाइट को यहाँ पे लूँ तो एक दो तीन एंड पॉसिबल है, मतलब दो पॉसिबिलिटी मेरी बनेगी इसके, अगर बोला ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में दो पर्सन बैठेंगे, वो लाइक ग्रीन कलर, वो किसके लिए है ओ के लिए, ओ आपका ग्रीन कलर लाइक करेंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एंड एंड वन हु लाइक ब्लैक कलर, और जो आपका ब्लैक कलर लाइक करता है उसके बीच में एक पर्सन, अब वो एंड ब्लैक के लेफ्ट में भी हो सकता है या फिर राइट में भी हो सकता है। As many person sit right of the one who like white, अच्छा white के right में जितने होंगे ना, तो white के right में होंगे, जितने person आपके white के right में होंगे, as to the left of who like blue, उतने ही आपके blue के left में होंगे, जैसे suppose white के right में दो आते हैं, तो blue के left में कितने होंगे, दो होंगे। And is does not like orange, L आपका orange color like नहीं करता, okay। Only one person sit between sit to the left of who like blue color, ये मेरी definite information मिल गई कि जो person आपका blue color like करता है उसके left में only one person बैठे, यही तो बोला only one person sit left of who like blue color। अब देखो जितने पर्सन लेफ्ट में है किसके ब्लू के, उतने राइट में होंगे व्हाइट के, तो ब्लू के लेफ्ट में एक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा व्हाइट कलर लाइक करने वाला पर्सन, आप इसको हटा दो। अब देखो बच्चा पार्टी, व्हाइट के सेकंड थर्ड लेफ्ट में एन था, तो व्हाइट ये एक
तो 3 यहाँ पे मेरा एन आ जाए, आप इसको हटा सकते हो, दोनों के दोनों एंड पे भी नहीं आए। अब देखो एन और ब्लैक के बीच में 1%, ब्लैक इधर भी हो सकता है, ब्लैक इधर भी हो सकता है, वो हम बाद में जाए। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द वन हु लाइक रेड कलर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में वो पर्सन बैठेगा जो आपका रेड कलर लाइक कर। क्यू नाइदर लाइक व्हाइट कलर नॉट सिट एट द एंड, ना तो क्यू आपका व्हाइट कलर लाइक करता है, ना एंड पे बैठता है, ना यहाँ बैठता है, तो यहाँ कहीं आ सकता, अब हम बाद में। द वन हु लाइक येलो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में आपका बैठेगा वो पर्सन जो आपका येलो लाइक कर। हु नाइदर सिट नियर टू एन एन के, एल आपका ना तो एन का पड़ोसी है ना वो के का पड़ोसी, मतलब एन के पास एल यहाँ पे भी नहीं आएगा, एल मेरा यहाँ पे भी। अब हम चेक करते हैं, देखो अब आप क्या कर सकते हो कि देखो देखो ये अगर मैं लू, क्यू आपका यहाँ भी सकता, क्यू यहाँ पे पॉसिबल है ना, और क्यू मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, बट क्यू के सेकंड लेफ्ट में रेड वाला पर्सन आना चाहिए, तो क्यू की जगह एक ही बचेगी ये वाला, है ना। भाई यहाँ पे तो ले नहीं सकते, अब यहाँ पे भी नहीं ले सकते, यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे रेड पॉसिबल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया क्यू की जगह होगी मेरी कन्फर्म, उस हिसाब से एंड मेरा रेड लाइक करेगा। चलो फिर इसको हटा दो आप। अब देखो एल की जगह, एल आपका यहाँ नहीं आ सकता ना, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो बट उसके बीच में येलो के बीच में दो आने चाहिए, एल मेरा यहाँ पे हो जाएगा, हटा दो बेटा, एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा वो पर्सन जो आपका येलो कलर लाइक, आप इसको भी हटा दो आप। अब एन और ब्लैक के बीच में 1%, देखते कहाँ पे आएगा ब्लैक, भाई यहाँ पे भी तो ब्लैक पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। अब देखो एम और ओ के बीच में 2%, एम यहाँ पे लेते हो तो 1 2 O पॉसिबल नहीं, एम यहाँ पे लो तो 1 2 O पॉसिबल है नहीं, बट ये ले सकते हैं हम, यहाँ पे तो ले नहीं सकते एम को, बट अगर मैं एम को यहाँ पे लो, 1 2 छोड़ के यहाँ पे ओ आ जाएगा, और ये मेरा क्या लाइक करेगा, ग्रीन कलर। चलिए फिर इसको भी आप हटा दीजिए। अब एल आपका ऑरेंज लाइक नहीं करता, तो ऑरेंज यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑरेंज की जगह ये की तो बचती है ये वाली, ओके। अब आपका एक कलर बचा वो है ब्लैक, तो ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया ना एल और ब्लैक के बीच में 1%। चलिए जी, अब मेरे 2% कितने बच गए, अब एन का पड़ोसी के लिखा, हाँ यहाँ पे देखो तो ये लिखा ना, ये कहाँ गया आपकी, ये देखो ये वाला के का पड़ोसी नहीं है आपका एल, के यहाँ पे नहीं आएगा तो के की जगह बचेगी ये वाला, तो के एल एम एन ओ पी आपका यहाँ पे बन गया सवाल। सवाल उसी से बनेगा जो राइट अप्रोच सीखेगा, राइट अप्रोच कहीं से भी सीखो, चाहे मेरे साथ रात को 9 बजे सीखो, चाहे पुनीत सर से रात को 10 बजे सीखो, चाहे अंकुश लंबा सर से सुबह मॉर्निंग में सीखो, चाहे हमारे वर्चस्व के ऑनर हैं उनका नाम भूल गया मैं, उनसे सीखो आप, कहीं से भी सीखो, बट अप्रोच सीखो गाइस। अप्रोच सीख ले कि तो आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लियर, मैं तो कह रहा हूँ 2024 के सारे एग्जाम आपके हैं। अब सवाल आया कि 8% है जो आपके लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 9 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, सबसे पहला काम हम फ्लोर बनाते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पहला काम खत्म हो, ठीक है। तो सरकार ठीक है, अब पहला काम मेरा यहां से खत्म हो, मैंने 9 स्टोरी बिल्डिंग बना। अब देखते हैं हमारी इंफॉर्मेशन क्या दे रही है, ठीक है। ए लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर
अबाउ फ्लोर थ्री, थ्री के ऊपर प्राइम कौन कौन से होते हैं? तीन के ऊपर होता है एक तो पांच, एक होता है आपका सात, और कोई होता हो तो बता दो कोई नवाब। आप वहां से बोलेंगे ये भी हो सकता था बेटा, नहीं हो। तो देखो यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा, एक बार प्राइम पोजीशन ये वाली हो जाएगी, एक बार मेरी सात वाली हो जाएगी, ठीक है। आगे बोला कि ओनली 3% लिव बिटवीन ए एंड एन, तो देखो हाँ ए और एन के बीच में आपके तीन फ्लोर है, तो एक दो तीन एन पॉसिबल है, एक दो तीन एन पॉसिबल है, बट आपका जो सेकंड केस है ना इसमें देखो एक दो तीन यही पे आएगा है। Who lives two floor below M? M के दो फ्लोर नीचे, मतलब M और N के बीच में एक फ्लोर आए, या उस हिसाब से देखो आपका पॉसिबल है क्या ऊपर एक दो तीन चार, नहीं ना, तो एक दो तीन यही तो है ना आएगा आपका, और ये हो जाएगा M के नीचे, उस हिसाब से M मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हटा दो आप इसको भी, हटा दो आप। The number of person live above K is same as the number of floor below N. N यहाँ पे बॉटम पे बैठा है तो K आपका टॉप पे हो जाएगा, N के नीचे दो है तो एक दो K के नीचे ऊपर पॉसिबल है क्या, ये केस तो एलिमिनेट हो गया आपका। No one live between L और B. L और B आपके साथ साथ, ये तो गड़बड़ हो गया, L और B आपके साथ साथ आएंगे, कौन ऊपर आएगा वो हमें नहीं पता, लिए ठीक है ओनली 3% लिमिट, ठीक है। इवन नंबर फ्लोर इज नॉट वेकेंट, मतलब एक और नंबर का फ्लोर होगा जो आपका खाली होगा। टी लिव्स 5 फ्लोर बिलो एल, मतलब एल और डी के बीच में आपके चार फ्लोर हैं, बट नॉट ऑन द इवन नंबर। He lives floor below L, but not ये odd पे आएगा, ठीक है। तो पता है हमने गड़बड़ क्या किया, हमने देखा नहीं 80% थे और 9 स्टोरी बिल्डिंग थे, उस हिसाब से हमें एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा सवाल को, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। हमने पता फ्लोर दिखी 80 सोचा, 8 फ्लोर नहीं है, 8 फ्लोर तो साथ साथ में 8%। देखो इसके तो दोनों केस वापस लेते हैं, देखो ए लिव्स अ प्राइम नंबर फ्लोर अबाउ थ्री, तो ए एक बार यहाँ पे आ जाएगा, ए एक बार यहाँ पे आ जाएगा, और क्या बोला ओनली 3% लिव बिटवीन ए एंड एन, एन और ए के बीच में चार है, सॉरी तीन फ्लोर है, तीन फ्लोर थोड़ी बोला है, पर्सन बोला, और एन लिव टू फ्लोर एम, एम के नीचे एन आएगा आपका, ये फ्लोर की बात कर, ये पर्सन की बात हम चेक करते हैं वापस। देखो अब देखो यहाँ पे एक दो तीन फ्लोर पर्सन ले सकते हो क्योंकि कोई वैकेंट नहीं होगा, तब एल पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पार्ट और बन रहा है, जैसे कैसे अगर मैं एक को यहाँ पे लूं, एक दो तीन पर्सन है बट वो एन है ना, तो आपका एम के बिलो बैठेगा, ये तो केस पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे एम आ जाए। अब इसमें देखो एक दो तीन अगर आप लेते हो तो एन यहाँ पे पॉसिबल, बट अगर वो एक फ्लोर छोड़ के आ गया तो, या फिर यहाँ पे आ गया तो हम चेक करेंगे भाई। अगर मैं सपोज इसको, अब उसने क्या बोलता वेकेंट फ्लोर ओड है, तो ओड आपका जैसे ये ले लेता हूँ मैं, एक तो 3% होगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर मैं क्या करूँ ये खाली ले लूँ, तो एक दो तीन ये एन हो जाएगा, तो एम पॉसिबल है। अगर मैं इसको ये ले लूँ खाली, तो एक दो तीन यहाँ पे एन आ जाएगा, फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसमें हम चेक करेंगे। अब देखो एल और बी आपके एक साथ बैठे, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा सही, अब हाँ
ये देखो नंबर ऑफ पर्सन के सेम एज द वो ठीक है, एल एन आपका बॉटम पे तो के आपका यहाँ पे हो गया, इसमें हो रहा है अभी तक सेटिस्फाई। अब देखो एल और डी के बीच में चार होने चाहिए, अगर मैं एल को यहाँ पे लू तो एक दो तीन चार डी पॉसिबल है क्या, नहीं तो हाँ फाइव फ्लोर ही बोला उसको, ये भी होगा। अगर मैं एल को यहाँ पे लू तो एक दो तीन चार डी ऑड पे आ रहा है नहीं यार, तो मुझे पता चल गया इससे तो आएगा नहीं मेरा आंसर, मेरा आंसर इससे आएगा। तो हम चेक कर देखो हम क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था इसमें, ये लेता हूँ ऑड फ्लोर, तो एक पर्सन दो पर्सन तीन पर्सन यहाँ पे मेरा एन आ जाए, एन मेरा क्या है एम के दो फ्लोर नीचे, ठीक है एन के नीचे एक है तो के के ऊपर एक पर्सन होगा, ओके जी सेटिस्फाई कर लीजिए। अब अगर आप एल को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन चार पॉसिबल नहीं है सर, अगर आप एल को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन चार बी आ जाएगा आपका, बट एल की जगह एल के साथ बी भी तो आना चाहिए था, सॉरी डी आएगा, ये डी होगा तो पॉसिबल है क्या, नहीं सर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हटाओ फिर इसको आप। अब एक काम करो सर, आपने फिफ्थ फ्लोर को वैकेंट लिया ना, अब आप थर्ड फ्लोर को वैकेंट लो, एक पर्सन दो पर्सन तीन पर्सन यहाँ पे एन आ जाएगा, एन और एम के बीच में एक फ्लोर है, एन के नीचे जितने उतने आपके के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एल को यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि एल और बी साथ साथ आएंगे, एल को अगर आप यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन चार यहाँ पे बी आना चाहिए, सॉरी डी आ जाएगा, डी आपका ऑड पे आ रहा है, एल के साथ आपका बी आ जाएगा, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, एक पर्सन आपका बच्चा वो कौन है सी, सी आ जाएगा टॉप। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी इसलिए था क्योंकि इसमें ये बोला गया था कि आपके पास नौ फ्लोर की बिल्डिंग है और आठ पर्सन आपके रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने ध्यान दिया, इसमें पर्सन का और फ्लोर का ध्यान रखना थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के टॉप लेवल के सवाल, अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है, एक ही काम करोगे क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस बेल आइकन को दबा देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। दोबारा बता दूं इस क्लास की टाइमिंग आपकी रात को रहेगी, रात को 9 बजे, और किसी भी प्रकार की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलते हैं गाइस, ठीक है। और पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट।